सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसी तरह अजान को भी अहसन कहा गया कुरान, वमन अहसन कौलम मिम्मन दाअ इलल्लाह, और उससे अच्छी बात किसकी होगी जो अल्लाह की तरफ बुलाए। इससे मुराद अजान। तो अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान में अजान को भी अहसन कहा है, इसीलिए हदीस पाक में आता है कि अजान देने वालों की बड़ी शान है। अगर कोई बंदा सिर्फ एक साल तक अल्लाह की रजा के लिए अजान पढ़ेगा, सिर्फ एक साल तक, तो उसका शुमार कयामत के दिन उसका हिसाब व किताब औलियाए किराम के साथ होगा। वो वली की हैसियत से उठेगा जिसने सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए एक साल अजान पढ़ी हो, कयामत में वो वलियों की हैसियत से उठेगा, औलिया के साथ उठेगा। और जिसने 2 साल तक की अजान पढ़ी हो वो शहीद की हैसियत से उठेगा और शहीदों के साथ उठेगा, और कयामत में उसका शुमार शहीदों के साथ किया जाएगा। और जिसने 3 साल अल्लाह की रजा के लिए अजान पढ़ी, अल्लाह तबारक व ताला कयामत के दिन उसको नबियों के साथ उठाएगा और उसका हश्र अंबियाए किराम के साथ होगा, और मौज़िनों की गर्दन बहुत ऊंची होगी अल्लाह की तरफ से, यानी गर्दन लंबी नहीं हो जाएगी। ऊंची का मतलब यह कि अल्लाह ताला उन्हें इज्जत अता करेगा। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जब मौज़िन अजान पढ़ता है तो कायनात का जर्रा जर्रा उसके लिए दुआ करता है, मछलियां उसके लिए दरिया में, चिड़िया और परिंदे उसके लिए अपने घोंसलों में दुआएं करते हैं। बड़ी शान है मौज़िनों की, यानी अजान पढ़ने वालों की बड़ी शान है, उनके बड़े मर्तबे। तो अजान को भी कुरान ने अहसन कहा। हदीस पाक में आता है कि मौज़िन जो मरते हैं तो अल्लाह तबारक व ताला उनकी कब्र को तंग होने से बचा लेता है और उनकी कब्र में कुशादगी होती है, और अल्लाह तबारक व ताला कयामत के दिन इरशाद फरमाएगा औलिया कहाँ है, उलमा कहाँ है, और अल्लाह की तरफ बुलाने वाले मुअज्जिन कहाँ है। इसलिए कि इन लोगों के लिए नूर के मिंबर तैयार किए गए कयामत के दिन। ओ अल्लाह तबारक व ताला अगर तौफीक दे तो कभी कभी मस्जिदों के अंदर जाकर अजान पढ़ दिया कर। यानी मौज़िन सिर्फ वो नहीं है कि जिसको जो है वो नौकरी पर ट्रस्टियों ने रख लिया हो, मौज़िन हर वो शख्स है जो अजान दे। और बड़ी बरकतें हैं जब कोई अजान पढ़ता है तो फरिश्ते अजान में उसका साथ देते, और जितनी देर तक कोई अजान पढ़ता है तो अब अल्लाह अपना दस्ते कुदरत उसके सर पे रखता है। बड़ी बरकतें अजान की। अच्छा, अजान ना दे सके तो कम से कम जब अजान हुआ करे तो अजान के जवाब ही दे दिया करे।